गाइस आज हम खैनी है ब्रेड आमलेट और ओकरा पहले खैले रही हाजर के गलुआ जोन की हमें बनाइले रही। कमेंट सेक्शन में लिंक हुई व्लॉग के ऊपर टैप करके जाके देख लो लोगिन। लेकिन मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैंने तो ऐसे ही बता दिया। मतलब लोग आजकल श्राद्ध व्लॉग बना के व्हाट आई ईटिंग डे कर रहे हैं, तो मैं तो ऐसे ही बता ही सकता। मतलब पिताजी छिन गए हैं आज के दिन और यहाँ व्लॉगिंग चल रही है, क्या खाया और क्या नहीं। हाय बेस्टीज, आज की वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे, बट ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज आज मेरे पापा का श्राद्ध है। फर्स्टली अंकल जी के लिए ओम शांति, होप ही इज एट अ बेटर प्लेस। पर ये चूतिया लड़की, पिछले साल जब इसने चूतियाई करी थी तब लड़कों को कुत्ता बोलती थी, सेइंग कि लड़के कुत्ते होते हैं। लड़के कुत्ते नहीं होते हैं, कुत्ते लॉयल होते हैं लड़के। और आज अपने पिताजी के श्राद्ध का व्लॉग कर रही है और उसमें भी खा रही और है। क्या खाया वो बता भी रही है। मतलब ओके आई गेट इट वेयर इट ऑल स्टार्टेड, सो शी ट्रूली हेट्स मेन, यही ना। कॉमन सेंस घुइया में डुबाई आई तुम। हाँ का रे छोड़ी का है? अबे शूट कर लिया, मान लिया, इतनी बेशर्मी आ गई तुझ में। लेकिन जब इसको एडिट कर रही थी तब तेरे को खुद की आवाज कानों में गई तो होगी ना। अब नहीं सुनाई दिया क्या, बोल रही है तू, क्या कर रही है, श्राद्ध का व्लॉग कर रही है, खाना रेट कर रही है, टेस्ट देख के खा रही है आज के दिन। यू नो हाउ मच आई रेट यू ऑन बीइंग अ डॉटर, दिल से गाली निकल रही है आज। मैंने क्या नहीं देख लिया इस दुनिया में भाई, लोग तीन तीन शादियां कर रहे हैं, सबको एक साथ रख रहे हैं आप, तीन शादी है, एक वीडियो और आएगा इस पे, बच्चे पैदा कर रहे हैं व्यूज के लिए, बच्चे शादी कर रहे हैं व्यूज के लिए, और अब तो श्राद्ध का व्लॉग भी हो रहा है। क्या बच गया बे, इंटरनेट है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, जो मर्जी आ रहा है वो बक दे रहे हो, कोई कोई किसी चीज की आदी नहीं है। व्यूज इतने इंपॉर्टेंट है क्या बे हरामन। श्राद्ध का मैंने जब से देखा मेरा दिमाग का भूसड़ा हुआ पड़ा है, मैं क्या बताऊं। श्राद्ध मतलब आज के दिन तो कम से कम शांति से बिताती तुम, रोना गाना नहीं करना था। मैं ये नहीं बोल रही हूँ रोना गाना था आज के दिन, पर शांति से एक दिन कैमरा पीछे छोड़ देती, क्या बिगड़ जाता बे तेरा, इतना सब करने के बाद भी तो मतलब क्या क्या जरूरत है ये सब करने की आज एक के दिन? दिन भी इनसे शांति और सिंपलिसिटी से बीतेगा। इनके डिक्शनरी में एथिक्स और मोरालिटी नाम की चीज ही नहीं है, जिसमें आप नमक और ऑयल एक बार खा सकते हो, बट आप बीच में मीठा खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो। और मैंने ब्रेकफास्ट में मंगाया था ये माचा ओटमील, बिकॉज मुझे आज बहुत सारा काम करना था तो एनर्जी चाहिए थी उसके लिए। इतनी खुश हो गई, देखो मीठा खा सकते हो, खाना उतर गया तेरे गले से, ओटमील हो या जो भी मील हो, यम्मी था ये था वो था ये बोलने की जरूरत थी, टेस्ट लेके खा रही है किसी के हो कि नहीं। आई रेट दिस 8 out of 10। हम सिर्फ लंच ही कर सकते, एक ही मील खा सकते हैं, तो मैं साहिल के पास ये लंच लेकर गई थी, तो लेट्स ओपन इट। इसने ओट मील खाया क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए थी बाकी काम करने के लिए। बाकी काम क्या था, आगे का और खाना खाना, मतलब ओट मील से एनर्जी लेके बाकी का खाना पचाया ऐसा। और इसमें मम्मी ने पैक किया था मेथी के पराठे और आलू की सब्जी, मुझे बहुत पसंद है। Obviously it was 10 on 10 for me। मैं अभी थोड़ी देर पहले नहीं बोला आप एक ही मील खा सकते हो, तो ये क्या सूंघने के लिए, वो नहीं गया था पेट में। एक बार तुम इमेजिन करो, तुम किसी श्राद्ध में बैठे हो जहाँ पे सब मतलब अलग ही दुनिया में हैं, और वहां से कोई एक उठ के बोल रहा है पराठे और छोले मस्त है, ये बहुत दिया मेरा, आई रीड दिस 10 on 10। वही पर दे चप्पल उलाना है उसका, लेने इंटरनेट पे इसीलिए बच रही है। और ये ऑर्गेजम लेके रेट कर रहे हैं भाई। उसके बाद हम कुछ बाहर पीने गए थे और मैंने ये ड्रिंक चूज करी थी, बट ये थे नहीं, तो मुझे पिंक लेमोनेड पीना पड़ा जिसका टेस्ट बहुत ही बेकार था। पीना पड़ा, किसने जबरदस्ती, एक तो तेरे को आज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है घर छोड़ के बाहर कैसे गई, क्योंकि ये चल रहा था तो ऑब्वियस है इसको सदमा नहीं पहुंचा होगा, इनकी मम्मी को तो जरूर कुछ ना कुछ हो रहा होगा, तो घर पे रह के अपनी मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती थी, ये बाहर गई है पीने लेमोनेड। I rated 2 out of 10, it was bad, you। यही काम गिनवा रही थी ना तू कि आज मेरे को बहुत काम था उसके लिए। Hey boy। तो इसने जब ओटमील बोली कि ओटमील चाहिए एनर्जी के लिए, तब तक भी मैं थोड़ा जब वीडियो देख रही थी तो मैं ऐसे थी कि हाँ ओके ठीक है कोई बात नहीं, एक ही मील खाना है इसने बोला है तो एनर्जी चाहिए। बाद में मैं देख रही हूँ कि इसका काम क्या है, तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि इसका काम क्या है। ये और क्या वक्त चोरी कर रही है इंटरनेट पे, नो बॉयफ्रेंड्स नो बुलशिट अल्कोहलिज्म फूड। हाय बेस्टी, सो मैं गई थी गोवा के एक फैंसी रेस्टोरेंट में और ये ड्रिंक्स के लिए ज्यादा फेमस है, तो मैंने हाय बेस्टी, सो आज है ट्यूसडे और मैं ट्यूसडे को चिकन नहीं खाती हूँ, तो हम लोग लंच करने आए हैं और मैंने ड्रिंक्स में मंगाया। हाय बेस्टी, सो मैं ब्रेकफास्ट करने आई हूँ गोवा के एक छोटी सी बेकरी में जहाँ अरे रे रे, ये तो बस खा ही रही है मैं अपने वीडियोस में। रेडी फॉर माय ड्रीम फ्लावर बाथ, ये नहाने का वीडियो है। कह नहीं रही थी मैं, ये लोग सब कुछ कर रहे हैं, मैं इंटरनेट पे सब दिखा रहे हैं, बच्चा क्या।
तुम्हें शर्म है? मेरे को पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। देखो बॉडी शेमिंग नहीं बोलना, लेकिन मेरे को एक कहावत याद आ रहा है, गई भैंस पानी में। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, गई भैंस पानी में से मतलब था कि इसकी बुद्धि पानी में बह गई, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। गाइस नहाने का वीडियो नो, गलत गलत बात। हाय बेस्टी, सो आज मैं अनबॉक्स कर रही हूँ मेरे गुची का बैग, इट्स अ लग्जरी। दिल्ली में रहती है क्या ये? नहीं, सरोजनी नजदीक होगी ना। सबसे पहले मेरे पास है बिल जो कि 2,20,000 का है। ओके, तो बिल किससे मांगा? सो हियर्स द बॉक्स और द स्टोरी ऑफ दिस बैग। मैं 6 महीने पहले अपना वॉलेट खरीदने गई थी, तब मुझे बैग बहुत पसंद आया था और मैंने उसका प्राइस पूछा एंड इट वॉज 2,20,000 और दैट वॉज टू मच फॉर मी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बैग खरीदना ही है तो मैं इसकी सेविंग करूंगी और इस बैग को जरूर खरीदूंगी, क्योंकि मेरा एक ड्रीम है कि मेरे पास सारे बड़े ब्रांड्स के बैग हो। ध्यान से सुनो, ये उसका ड्रीम है, ठीक है, उसका ड्रीम। तो जो लोग ये सब देख के सोचते है ना कि महंगी चीजें दिखाओ और तभी व्यूज आएंगे, क्योंकि इसके भी बाकी वीडियोस के मुकाबले इस पे ज्यादा व्यूज है। हाँ, ये सच है, महंगी चीजें दिखाने से व्यूज आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लोग सिंपलिसिटी को फॉलो करके भी फेमस हैं गाइस। तो स्लोली स्लोली मैं अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर रही हूँ एंड दिस इज माय गुची बैग। हाँ, हम में और इनमें यही फर्क है, यही पे फर्क आ गया ना कि तुम्हारे और मेरे पास जब पैसे आएंगे तो हम सोचेंगे कि हमारे माता पिता का कुछ अगर सपना हो जो हमसे हो सके वो कर देते हैं, लेकिन इनके पास जब पैसे आते हैं तो ये अपनी शौक की चीजें पूरी करते हैं। तो ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं, बनता ही नहीं है ना। दिस इज गेट रेडी विद मी फॉर द पार्टी। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ मैं क्या पहनूं। दिस टॉप फ्रॉम अर्बानिक, सो लेट मी ट्राई दिस ऑन। दिस इज हाउ यू गोना वेयर इट। पीछे से हम इसे ऐसे क्रॉस कर लेंगे। हियर वी गो, दिस इज द टॉप, लेट्स फाइंड द बॉटम। ट्राई दिस बॉटम, दिस इज द लुक। आई डोंट नो, जिसपे जा नहीं रहा है तो लेट मी ट्राई अनदर स्कर्ट। ये स्कर्ट पता है आप सबको, ये ज़ारा से है, तो लेट्स ट्राई दिस ऑन। This is the fitting. You know I love the skirt, but ये टॉप इसके साथ जा नहीं रहा है, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है। आई थिंक I'm gonna change the top now. This is the fitting and I think this is looks nice. अच्छा लग रहा है, मम्मा ने बोला अच्छा लग रहा है। We have two options for the heel. क्या? मेरी मम्मी उन्हें तो बोलती है अबे कपड़े तो पहन, अब इसके ऊपर का तो पहन। और इसने जो दो हील्स का सिलेक्शन दिखाया ना, वो दोनों मम्मी के होता हाथ में और फिर मेरे मुंह पे। मम्मी दोनों चूज करती है और मेरा बिना मेकअप किए यहाँ पे ब्लश आ गया रहता है। और इसकी मम्मी बोल रही है अच्छा लग रहा है। हाउ मॉडर्न आर यू, रो ही रहा है। यस, ये कपड़े। चलो पहले तो वो टॉप जो इसने निकाला वो देख के मेरे को लगा कि पैंट होगा, वो देखती हूँ गले में लपेटा जाए। हम है ही नहीं भाई इनके जैसे, नहीं। दीस गाइस आर वेरी मॉडर्न, वेरी फैंसी। हम तो गाय भैंस के पिछवाड़े भी पढ़े लिखे लोग, हमारा कहां मेल ही नहीं है। What versus what I got from Zara. So first I have this very cool latex skirt जो कि बहुत कूल है। I love this design. Let me wear. This is so cool and very 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 comfortable. Comfortable? मुझे देख के अनकंफर्टेबल लग रहा है, इसको पहन के कंफर्टेबल। हैट्स ऑफ बहन, हैट्स ऑफ। नहीं अच्छी बहन नहीं। दिस वेरी एक्सपेंसिव जैकेट, चंकी जो है ये बहुत स्टाइल में, आई लव चंकी स्टाइल। या आई लव दिस जैकेट और ये पूरा आउटफिट बहुत ही ज्यादा। पर इस एक्सपेंसिव जैकेट का फायदा क्या, जब वो आई रहा है तुम्हारी आधी छाती तक? कोई अगर जैकेट पहनेगा तो इसलिए ना, क्योंकि उसको ठंड लग रही है। ठंड लग रही है तो कोई भी 5,000 खर्चा करके अपना पूरा शरीर क्यों नहीं ढकना चाहेगा? रो ही रहा है, हो क्या? सीखा है मैंने इसके वीडियो में, देखा मैंने। क्यूल गाइस, पीपल लुक क्यूल डूइंग दिस। और अब चूतिया से ऊपर अगर कोई शब्द आएगा ना तो रो ही रहा है बोलने का। अबे रो ही रहा है, हो क्या? आदमी इतना बेइज्जत हो जाएगा ना बहन, मैं बता रही हूँ दोबारा वो काम करेगा नहीं। So today is a big cheat day and a movie night. और हमने start किया है Cheetos के Hot Flamingo और हम देख रहे हैं Split और आप देख सकते हो it looks very tempting. अबे तानसेन की, अबे रो ही रहे हो क्या? क्या जरूरत है अंग्रेजी बोलने की जब गलत ही बोल रहे हैं? सीधे मुंह हिंदी बोल ले बहन, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा तेरा। बट ये बहुत एक्सपेंसिव है और महंगा लेके जब मुंह ऐसा सड़ा सा बनाना ही है। लेना ही क्यों है महंगा? महंगा लेके फ्लेक्स कर रहे हैं यहाँ पे कि हम तो खाते रहते हैं। इधर 675 रुपीज, मुझे तो वर्थ इट लगता है क्योंकि मैं खाती रहती हूँ। वीडियो से एक साफ पता चल रहा है कि बस फ्लेक्स ही करने आई है इंटरनेट पे। कॉम्प्लिकेटेड है, ये लोग, इन लोग को लग रहा है सारी गलत चीजें करके उनको सही बता देंगे, कुछ गलत बचेगा ही नहीं फिर दुनिया, और सब कुछ सिंपल हो जाएगा, लाइफ सिंपल हो जाएगी। इनको पता नहीं चल रहा है अपनी लाइफ को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं।
बेस्टीज, तो आज मैं हूँ डेट पे, लॉडो सब लिखा था मेन्यू में वो ऑर्डर किया, बट गोलगप्पे आ गए. सो चेयर्स टू माय डेट और हैव वी गो. मैंने गोलगप्पे जैसे ही मुंह पे डाला और देखो क्या हो गया, मतलब दिस इज सो एम्बैरेसिंग. बट फिर भी मैंने गर्व से अपना फेस उठाया और गोलगप्पे इंजॉय किए, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी. उसमें हमने ना सुशी ऑर्डर करी, एवोकाडो सुशी थी और इसमें फिश भी थी, बट ये मैं बता रही हूँ हमने हेल्दी ट्राई किया, बट इट सुपर यम्मी. एक तो इनका नया चुगन पट्टी चल रहा है डेट, बहुत मॉडर्न जमाना है भाई साहब, लोग डेट पे जाते हैं. तुम नहीं गए? छी छी छी, शेम शेम. एक बार मान लो तुम हिम्मत बना के डेट पे चलेगा, तुम्हारे साथ वाली लड़की खाते वक्त अपने आप को ऐसे रिकॉर्ड कर रही है. I rate this 10 out of 2. पता है क्या guys? बस इसका quantity कम था, बाकी टेस्ट तुमको कैसा लगेगा बे? ये डेट पे गई, साफ पता चल रहा है खाने गई है. हम लोग भंडारे में जाते थे, ये लोग डेट पे चले जाते हैं जब इनका अच्छा खाने को मन करता है. और डेट पे जाके फायदा क्या? अभी बोला ना मैंने, खुद ही कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ. डेट पे जाके फायदा क्या? कूल बनने के लिए तुम बोल रहे हो, हम डेट पे जा रहे हैं और वहां जाके वही छपरी भिकमंगो वाली हरकत. बेस्ट फ्रेंड कुची कुची कु. तो आज कल के फैंसी लोग फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स को बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हैं. ओके okay. बहुत सीखना बाकी है गाइस, बहुत पिछड़े हुए लोग हैं सलाह हम लोग. बेस्ट फ्रेंड्स, वो तो लड़के के चेहरे पे ही दिख रहा था अभी. खा जाना चाहता है तेरे को. She's been joking since birth, guys. और सर यहाँ पे इन लोग की वजह से मैं रोज रोज नए कांड, नए नए नमूने देख रही हूँ. बाकी हम ऐसे और लोगों को एक्सप्लोर करते रहेंगे. वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कर देना. हमारे पुराने वीडियोस यहाँ आ रहे होंगे, उनको टैप करके जाके देख लो. शॉर्ट्स चैनल का लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना. डिस्क्रिप्शन कमेंट्स हर जगह होगा. मेरे ब्लॉग को जाके देखो, अच्छा लगा है लोगों को, आपको भी अच्छा लगेगा. एंड यस, कमेंट्स करो ढेर सारे. 10,000 कमेंट्स का हम एम रखते हैं, और अगर तुम कर देते हो पूरा तो यू गेट अ सेकंड पार्ट. रो ही रहा है. एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. तब तक ख्याल रखें आप सब अपना.